क्या आप जानते हैं कि ऐसे खतीब हैं जिन्होंने अपनी 80 साल ज़िंदगी में 72 बार कुरान मजीद का तर्जमा और तफसीर पढ़ाया। क्या आप जानते हैं कि उनकी तबलीग ने तौहीद व सुन्नत का प्रचार किया और शिर्क व बिदत की बहकनी की। इस बायोग्राफी में हम आपको मिलाएंगे उस अजीम शख्सियत से जो हकीकतन वलीउल्लाह है, तो देखते रहिए ताकि आप जान सके उनकी जिंदगी की हैरत अंगेज दास्तान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं शजर टीवी। आज की बायोग्राफी में हम जिक्र करेंगे मौलाना सईद रहमान ओगी साहब का, जो मारूफ खतीब हैं। मौलाना सईद रहमान ओगी साहब ने अपनी पूरी जिंदगी तौहीद व सुन्नत के प्रचार और शिर्क व बिदत की बहकनी में गुजारी है। मौलाना सईद रहमान ओगी साहब ने अपनी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत के दरस व तदरीस और रस्म व रिवाज के रद्द में गुजारी। उनकी शख्सियत का सबसे नुमायां पहलू ये है कि उन्होंने 72 बार कुरान मजीद का तर्जमा और तफसीर के साथ दर्स दिया। उनकी उम्र 80 साल से ज़ायद है और फिर भी वो अल्लाह पाक की किताब का दर्स दे रहे हैं। हज़रत शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद ताहिर पंजपीरी रहमहुल्ला के मिशन को आगे बढ़ाने में मौलाना सईद रहमान ओगी साहब का कलीदी किरदार है। उन्होंने अपने उस्ताद की वसीयत पर अमल किया और उम्र के इस हिस्से में भी अपनी खिदमात जारी रखे हुए हैं। एक मौका पर मैं हज़रत खतीब साहब मद्दा ज़िल्लुहुल आली से फेसबुक पर लाइव दरसे कुरान सुन रहा था, जहां वो सूरत सवाफात की आयत नंबर 97 की तफसीर बयान कर रहे थे। उन्होंने हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया और फरमाया कि उन्होंने ये अल्फाज हज़रत शेख से 62 साल पहले सुने थे। हज़रत शेखुल कुरान रहमहुल्लाह के दरसे कुरान की मिसाल देते हुए मौलाना सईद रहमान ओगी साहब ने कहा कि हज़रत शेखुल कुरान इशा के वक्त दरसे कुरान के लिए बैठते थे और फजर की अजान पर उठते थे। ऐसी लगन और मोहब्बत की मिसाल पाकिस्तान में कोई नहीं दिखा सकता। मौलाना सईद रहमान ओगी साहब की एक और ख़ास बात यह है कि उनकी औलाद भी इल्म दीन से वाबस्ता है और मुख्तलिफ दीनी शोबजात में खिदमात सरंजाम दे रही है। उनके बेटे मुफ्ती फैज़ुर्रहमान शाकिर, मुफ्ती समीउर्रहमान सईद, मुफ्ती इनामुर्रहमान सईद, मुफ्ती अतीकुर्रहमान सईद, मुफ्ती ज़ियाउर्रहमान फारूकी, मुफ्ती अहमदुर्रहमान सईद, हाफिज़ शाहिदुर्रहमान सईद और हाफिज़ जमीलुर्रहमान सईद भी इस कुरानी काफिला का हिस्सा हैं। अल्लाह पाक इन शुयूख का साया हमारे सरों पर तादेर कायम रखे। अगर आपको ये बायोग्राफी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी मज़ीद वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और अपनी कीमती राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।